पेट्रोल पंप संचालक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। तीन गिरफ्तार। लूटी गई रकम के साथ मोटरसाइकिल और आलाय कत्ल भी बरामद। थाना कैमरी क्षेत्र में 27 अगस्त को पेट्रोल स्वामी के भाई संचालक प्रवेश कुमार की रात में पेट्रोल पंप से घर लौटते समय हत्या कर रकम और मोटरसाइकिल भी लूट ली गई थी, जिस पर 28 अगस्त को वादी ब्रजेश कुमार पुत्र सियाराम निवासी ग्राम खेमपुर थाना कैमरी द्वारा थाना कैमरी पर दी गई तहरीर सूचना में कि उसका पेट्रोल पंप रामपुर कैमरी रोड पर ग्राम जनुना नगर के पास है, जिसकी देखभाल उसका बड़ा भाई प्रवेश कुमार करता है। 27 अगस्त को रात 9:30 बजे प्रवेश कुमार अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप से घर आने के दौरान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी हत्या कर दी और मोटरसाइकिल भी अपने साथ ले गए। इस संबंध में थाना कैमरी पर मुकदमा अपराध संख्या 144-20 धारा 302 394 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था, जिस पर एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर खुलासे के लिए टीमें गठित कर दी थी। अभियोग में प्रकाश में आए तीन अभियुक्तों जगतपाल पुत्र केवल राम मौर्य निवासी ग्राम सिमरिया थाना कैमरी उम्र लगभग 19 वर्ष, अनिल पुत्र जसवंत राठौर निवासी ग्राम सिमरिया थाना कैमरी उम्र लगभग 18 वर्ष, नवीन मौर्य पुत्र मंगल सैन निवासी ग्राम सिमरिया थाना कैमरी उम्र लगभग 20 वर्ष को कागा नगला तिराहा पर रोड से गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त किए गए आला कत्ल डंडे तथा मोटरसाइकिल होंडा ड्रीम व डिक्की में रखे 241,397 रुपए को बरामद कर लिया गया। 27/8/2020 को रात्रि करीब 9:30 से 10 के बीच में श्री प्रवेश कुमार की हत्या की गई थी। इस संदर्भ में थाना कैमरी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही थी। इसमें टीमें गठित की गई थी इसके निवारण हेतु, जिसमें आज सुबह हमें सफलता मिली और हमने तीन लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके नाम है जगतपाल पुत्र केवलराम, अनिल पुत्र जसवंत और नवीन मौर्य पुत्र मंगल सेन। इन तीनों ने कबूला के इन्होंने श्री प्रवेश की हत्या की थी। हत्या का मोटिव इन्होंने बताया कि जगतपाल के पिता को मृतक ने अपने पेट्रोल पंप पे चौकीदारी करते थे 1.5 महीने पहले निकाल दिया था और निकालते वक्त उनकी बेइज्जती करी थी और उनसे दुर्व्यवहार किया था। साथ ही साथ मृतक उनके पेट्रोल पंप के बगल में एक मार्केट है, वहाँ पर ग्राउंड में बच्चे जो क्रिकेट खेलते थे, ये लोग क्रिकेट खेलते थे तो वहाँ पे उनको भगाते थे, मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे इनके साथ। तो अभियुक्त ने कहा कि इन दो कारणों की वजह से उन्होंने प्लान बनाया और 27 की रात्रि को घात लगा के उन पर हमला किया जब वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे और उन पर डंडे मार के वार करके उनकी हत्या कर दी। उसके बाद इन्होंने मोटरसाइकिल ले जाके झाड़ियों में छुपा दी, जिसको पुलिस ने रिकवर कर लिया है। मोटरसाइकिल के डिग्गी में जो पैसे मृतक के पेट्रोल पंप से सेल के पैसे थे वो बरामद हो गए हैं 100%। 241,397 रुपये हैं, पूरी बरामदगी हो गई है। आलाय कत्ल जो डंडा था वो भी बरामद हो गया और साथ में मोटरसाइकिल बरामद हो गई है।